शुरुआत करेंगे। पहली खबर नेपाल से, जहां भूकंप से भारी तबाही की आशंका बताई जा रही है। भूकंप प्रभावित इलाकों में सेना को भेजा गया है। नेपाल के डोटी में दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूकंप से अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। देखिए, भूकंप से कांपा नेपाल। और वहीं आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तस्वीरें देखिए, किस तरीके जो है 6.3 मैग्नीट्यूड जो है नापा गया है इस अर्थक्वेक का। और ये भूकंप का केंद्र जो है वो नेपाल बताया जा रहा है। 6.3 तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई है। दिल्ली के साथ नोएडा, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं आप देख सकते हैं, नेपाल जिसे केंद्र माना गया है, वहां पर तबाही देखने को मिली है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो ये केंद्र बताया जा रहा है नेपाल, जहां 6 लोगों की मौत हो गई है और कई घर तबाह हो गए हैं। तो भारत के साथ ही नेपाल और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सभी लोग अपने दफ्तरों से बाहर आ गए हैं। तो देर रात करीब 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां ये भूकंप आया। दिल्ली में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाँ, ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिल रही है। ये गरीब है, क्या हो रहा है? मैंने बोला 2 मिनट बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कहीं चक्कर होकर आ गया हो। लेकिन बाद में थोड़ा पता चला धरती बोला था इस चक्कर में। भूकंप से भारी तबाही की आशंका बताई जा रही है। भूकंप प्रभावित इलाकों में सेना को भेजा गया है। अब तक 6 हैवी अर्थक्वेक, फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए। कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट, तो हमें तब रिलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे। एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हम लोग न्यूज चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का आया है। तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। बट टच वुड, एवरीथिंग वाज सेफ।